हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फिर फखान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम सारे जा रहे थे मदीना, मम्मा और भाई निकल चुके हैं, तो मैं और हमाद रह गए थे और एक नमाज पढ़नी थी हमने, वो पढ़ लिए और अब बस हम निकलेंगे। थोड़े से एक आध काम है, सिम लेनी है हम लोगों ने और थोड़ी सी भी चीज़ें, तो आज हम जाएंगे मदीना और आज की इफ्तार भी हमारी मदीना के अंदर ही है। हमाद नमाज पढ़ ले बस, तो इंशाल्लाह फिर हम लोग निकलते हैं। मेरी टोपी गायब हो गई तो मुझे दूसरे कलर की टोपी पहननी पड़ रही है। ये रही हमारी टोपी, आज कपड़ों से मैचिंग की टोपी पहनी मैंने, बाकायदा फुल और ही बनाऊँ मैं। तो बस अभी चलते हैं आगे और सिम वगैरह लेते हैं, बाकी जो काम है वो भी करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे इंशाल्लाह मदीना में और आज की इफ्तारी करेंगे हम मदीना में। चलो भाई निकलते हैं, बस चाबी भी निकलते सब। अरे बंदी हुई लाइट, हमारा लाइट बंदी हुई हाँ, हम तो कल से पागल बने हैं मतलब। अबे ये क्या सीन था यार, वैसे वरना तो बंद हो जाती है लाइट, लेकिन यहाँ से डाल के देखते हैं यहाँ से बंद हो जाए। नहीं भाई ये मेरे ख्याल से प्लग खराब है, वरना तो होती भाई ऐसे, हमें आती है घंटा। बस अब चलते हैं आगे। ये हम गेट से निकले और बिल्कुल सामने वाली लेफ्ट है और यूं करके खुल भी गई है, तो बस चलते हैं मदीने की तरफ और मदीने की थोड़ी सी रौनक इन्जॉय करते हैं और आज की इफ्तारी, और आज की थोड़ी सी इफ्तारी। खुल 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 खुल, जल्दी से आओ मानव, हर जगह वेट कराते हो, चला करो। तो भाई अब होटल से हम निकल चुके हैं और अब बस जा रहे हम सिम लेने के लिए। अगर सिम लेंगे तो मम्मा लोग को मिल पाएंगे, वरना तो वो लोग आज भी खो जाएंगे, हम लोगों से मिल नहीं पाएंगे। क्योंकि रात में जब सही करें तो यही मसला हुआ था, बस ना सिम की ना कुछ थी कि हम किसी से कुछ पूछें या किसी को बुलाएं। तो अभी बस हम होटल से बाहर निकले हैं, ये हमारा होटल है, तो बस चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा और बाकी चीज़ें दिखाएंगे आज। तो भाई असर की अदान हो रही है इस टाइम पर और हमें सिम नहीं मिली, बस बाकी सब काम मिल लिया हमने यहाँ, और अब बस सारी नमाज के लिए जा रहे हैं। हम भी वहीं चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी सफ़र बढ़ जाती हैं, तो आपको इमामत के पीछे खड़ा होना भी एक मतलब टास्क है, बहुत देर में जाना पड़ता है यहाँ पर। और ये आ गए आज हम दूसरी बार मस्जिद नबी में एंटर हो रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई आ गए हम मस्जिद के अंदर और यहाँ से स्टार्ट है गुंबद, क्योंकि हम गुंबद के पीछे जाके पढ़ेंगे, वैसे आगे पढ़नी नहीं चाहिए, इस वजह से हम पीछे जा रहे हैं। और ये पूरी मस्जिद हरी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अगर अंदर जगह मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन अंदर के लिए बहुत रश है, अंदर पॉसिबल नहीं देखें। चलो अब इंशाल्लाह यही नमाज़ पढ़ेंगे। तो भाई मैं अभी सो गया था और ऐसा की नमाज है, इतना सुकून है कि मैं लेटा हूँ सिर्फ और मेरी आग लग गई, मैं सो गया। बाद में मुझे मना भी किया कि नहीं लेटो, कह रहा सो जाओगे, मतलब नहीं नहीं मैं सोगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, मैं कंट्रोल कर लूँगा, और मैं फिर सो गया। और अब यहाँ पर बस इफ्तार का दस्ता खान लगा है और उसी वजह से मुझे उठाया है उन्होंने यहाँ से, तो ये दस्ता जा रहा है वहाँ तक, और सिर्फ एक दस्तखान नहीं, बहुत सारे दस्तखान हमारे बीच में जा रहे हैं और यहाँ से भी वहाँ तक जा रहे हैं। और अभी इफ्तार में घंटा है, हम ऐसे ही बैठे हुए, बड़ी जल्दी इफ्तार लग गई है, अभी पूरा एक घंटा देखें, 6:30 बजे इफ्तार है यहाँ पे और यहाँ पे दस्तखान लगना शुरू हो चुके हैं। सामने सूरज इतना ऊपर है, सबसे बड़ी बात तो ये है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह इफ्तार होता है, इफ्तार करेंगे बस। तो भाई ये आ रही है हमारी इफ्तार में, पहले तो बना गया स्टार्ट में, और भी चीज़ आते रहेंगी दिखाते रहेंगे, अभी तो बनाएगा बाकी सब आएगा। तो ये बराबर हमारे इफ्तार लेकर आए हैं और 100% मुझे शक है कि हमारी इफ्तार का भी हो गया, हमारा इफ्तार भी हो गया, तो बाकी देख लेंगे जिसका भी हो, हम अपने देख हो गया। तो ये आ गया, देखो अभी से नियत लगा दी हमने, लेकिन मिलेगा लाजमी हमारा, 100% बता मुझे। तो अरे छतरी बंद हो गई, वाह भाई, क्योंकि सामने सूरज जा रहा है और बस इफ्तार के सब बैठे हैं। अभी अंकल से मेरी बात हो रही थी, इसका काफ़ी देर से पकौड़ों पर ले गए, अभी काफ़ी देर से अंकल से डिस्कस कर रहे थे, पकौड़े आ गए। ये कितनी प्यारी बंद कर रहे हैं, इस तरह बंद स्ट्रेट हो गई, बिल्कुल लग रहा है रॉकेट आ रहा है लॉन्च होने के लिए। तो भाई ये देखें सारी एक साथ बंद हो रही हैं, क्या मंजर है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और है किस तरह से छतरी इस तरह की, बंद होने के बाद वो किस तरह जाती है, इस तरह लग रहा है रॉकेट, वाह यार माशाल्लाह। और ये सारी की सारी बंद हो गई हैं सिवाय एक है, वो है ये अकेली खुली हुई, समझ नहीं आई मुझे, रिश्ता ख़राब हो गई इस वजह से नहीं होगी। और बाकी दस्तखान पूरे जहाँ जहाँ नजर आ रही वहाँ पे दस्तखान लगा हुआ माशाल्लाह। आए आप दिखाते हैं आपको सिर्फ इस जगह के लोग, मैं तो सिर्फ अपनी साइड की दिखा रहा हूँ, मैं दिखा नहीं सकता कि कहाँ तक लोग हैं, जहाँ तक मेरा कैमरा दूंगा वहाँ तक ये देखेंगे, वहाँ भी लोग हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो अब दिखाते हैं लोग, अब
अब कंटिन्यूसली आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, और ये सारे लोग हैं माशाल्लाह, सही है, इतने सारे लोग हैं, और इसके अंदर भी दस्तखान बिछे हुए माशाल्लाह, सब भरे हुए हैं, सब के सब दस्तखान भरे हुए हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है भाई कि अल्लाह ताला खिलाता है, सबको खिलाता है, 15 लाखों 20 लाखों 25 लाखों खिलाता अल्लाह ताला सबको है। ये आ गए हमारे और बॉक्सेस। पूछा आवे जमजम नहीं नहीं जमजम ओके ओके ऐसे भी जमजम नहीं है। चलो भाई इफ्तार आ गई हमारी आज की पूरी, इस पकौड़े आ रहे तो और मज़ा आ जाएगा। बहुत सब हो रहा है इफ्तार का वक्त और सब हुआ हुआ कर रहे हैं और आखिरी बार आपको इफ्तार लगा सकते हैं। तो ये हमारी सारी इफ्तार है, इससे हमारा समोसा आ गया और आलू के समोसे आलू के पकौड़ा के बराबर में समय दिए भाई ने, अल्लाह ताला उनकी इफ्तार कबूल करें। और ये हमारी सारी इफ्तार है जिसके अंदर से दही हम नहीं खाते, लेकिन हमें कुछ ना कुछ खा लेंगे, अच्छा है कि जो भी था जो है अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा है। और बस हम इफ्तार करते हैं, दुआ करते हैं और फिर मिलते हैं खा के। ये नमाज वगैरह पढ़ ली है और अब जा रहे हैं बाहर की तरफ, लेकिन बड़ा रश है बाहर जाने के रास्ते में, पहुँच जाएंगे। लेकिन अब आए हम चाय पीने के लिए, क्योंकि रोज़े के बाद जो चाय आती है वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, खासतौर पर क्योंकि मैं बहुत नींद में चला जाता हूँ अगर रोज़े के बाद चाय ना मिले जगाने के लिए बेसिकली। तो ये हमारी चाय आ गई है और ये हमारा बैठा हुआ, और ये वाहिद चाय है यहाँ की जो बाकायदा एक अच्छे टेस्ट की एक दूध पत्ती टाइप की चाय बनाते हैं। तो कल से हम तीसरी चौथी वाली चाय पीने के लिए बैठे हैं, और ये आपको शक्ल से दिख रही होगी कितने मज़े की चाय लग रही है। और अभी यहाँ पे भाई और मम्मा को बुलाया मैंने, क्योंकि वो लोग भी चाय पी लें अच्छी, तो वो लोग भी रोज़ाना ही पियेंगे देख लेना। तो ये वही जगह है जहाँ पे हम कल बैठे हुए थे और अभी भी चाय पी रहे थे, कोई अंकल दे गए हमें, मतलब लड़के बैठे हुए थे, और इतने मज़े की चीज़ें, मीठी मीठी सी बिस्किट टाइप की, हमारा तो खा नहीं सकते, चॉकलेट टाइप की थोड़ी सी, तो हम खाते हैं भाई। भाई आप भाई और मम्मा भी आ गए चाय पीने के लिए, हम आज गए होटल काम से। तो भाई चाय कैसी है, पीने वाली है ना यहाँ पे रोज़ाना आके, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी चीज़ें भी मंगा ली, मीठा ही तो हमें कोई देखे गया तो वही खा रहे हम। और ये रहे भाई, मम्मा को भी दिखाते हैं भी, और यहाँ से कोई रेंट की चाय के लिए चला रहे हैं बच्चे, ये पाओ ये। अरे भाई अबे भाई 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 भाई, हाय मम्मा। मम्मा भाई का वो पहन के बैठी हुई है। तो कैसे रहा आपका मम्मा मस्जिद नबी अभी पहली इफ्तार, बहुत अच्छी थी, क्या क्या मिला आपको इफ्तार में? हमें तो समोसे भी मिल गए थे, समोसे भी ले लिए थे लोगों से, उन्होंने समोसे भी खाएंगे हम। तो ये चाय आ गई है और सही है बस, मतलब पाकिस्तान जैसे नहीं, नहीं पाकिस्तान जैसा तो कुछ भी नहीं है, सब अच्छा है यहाँ पे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, और ये जगह अलग है वो जगह अलग है। बस सब चाय पीते हैं, उसके बाद नमाज में थोड़ा सा टाइम रह गया फिर नमाज पढ़ने निकलता है। भाई आए यहाँ पे हमसे चाय पीने के लिए, लेकिन यहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए मम्मा को शवरमे वगैरह खाने थे, जूस वगैरह भी ले लिए हमने, शवरमे भी ले लिए। कैसे शवरमे मम्मा, अच्छा है? चलो भाई बर्थडे टाइम ने फिर दो ले लिए, वरना मम्मा के लिए अकेले ले रहा था। ये देखें मानव को देखें, उसको खाना भी नहीं था। सामा भाई हमारे साथ हैं आज, आज सामा भाई हमें घुमा रहे हैं, घुमाएंगे फिराएंगे थोड़ा सा, खिलाएंगे पिलाएंगे, ऐसा ही है बिल्कुल। चलो भाई शवरमा खाते हैं, अच्छा है ना मम्मा सच में? चलो भाई आप स्ट्रीट भी इतने मजे, ऐसे करो हाँ बहुत मजेगा, स्ट्रीट भी मजेगी और शवरमा भी मजेगा। आगे तो निकले, लेकिन इतनी प्यारी हवाएं यहाँ पे, और मार्केट इतनी मजे की है माशाल्लाह। चलो आगे घूमते हैं, आगे तो हमें पता चला क्या हो रहा है। चलो भाई चलते हैं आगे और देखते हैं इस मार्केट में क्या है। तो भाई अब वापस जा रहे हैं हम होटल की तरफ, और इस स्ट्रीट की खासियत बतानी थी उसामा, बताएंगे उसामा इस स्ट्रीट की खासियत क्या है? ये मदीने के मशहूर मतलब मॉल टाइप है, यहाँ पर शॉपिंग मॉल बहुत बने हुए हैं, और ये वही रोड है जहाँ से अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते के रोज़ कभी पैदल और कभी अपनी ऊँटनी कस्बा के ऊपर बैठ के मस्जिद कुबा जाया करते और नफिल अदा करा करते थे। ये वही रोड है, ये सीधा सीधा मदीना जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, और यहाँ से सीधा मस्जिद कुबा जा रहा है, और हम होटल जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे लेना है सेम मोबाइल ही, क्योंकि हमें इंटरनेट और कॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोई भी आगे पीछे हो जाएगा हमारे तो लग जाते हैं भाई, ढूंढना पड़ता है दूसरे को। और यहाँ से हम ले रहे हैं बस सिम, और फिर सामने जाएंगे हम डायरेक्ट मदीना में, सामने मदीना है, तो हम वापस मदीना में जाते हैं, अभी नमाज वमाज पढ़ते हैं या फिर अगर पढ़ते हैं, हाँ फिर होटल फिर सोना है। भाई ये सिम लेने के लिए खड़ा हुआ है, और यहाँ पे बोल मस्ती मजाक चल रहा है, क्या बातें कर रहे हैं अरबी में, अरबी में क्या बातें कर रहे हैं, मच्छी चावल मांग रहा है बंगाली। ये व्हाट्स योर नेम?
इनको बिल्कुल भी उर्दू समझ नहीं आती, पागल है। अभी वापस आए मदीना नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज पढ़ के वापस सुबह जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंडी हवा है कि मज़ा आ रहा है। तो अभी हम वापस आ रहे ऊपर। नहीं, अभी मस्जिद में घुसे हम लोग और हमें क्या मिला, अलबैक का बर्गर, जो कि हम बहुत ज्यादा उतावले हो रहे थे खाने के लिए। हमारे खोलना उसको जरा, कितना बड़ा बर्गर है पता तो चले। मेरे मेरे साथ मैं खा लूंगा, तुम भी खाओगे? हो जाएगा, आ जाता हो जाएगा, चलो आ जाता खा लेंगे। तू डब्बा ले जाएगा ना भाई। अभी मैं मस्जिद नबी से बाहर आया हूँ और रात के बज रहे इस टाइम 3, और मेरा एक फिर से दोस्त मिल गया, मेरे कॉलेज का दोस्त था, हमने फर्स्ट ईयर साथ पढ़ा था, हमने बहुत बड़ा अच्छा पढ़ा था। क्यों तला भाई? बस पढ़ा नहीं था हमने, बस हमने पढ़ा नहीं था उसके अंदर। और अब बस तला भाई की तरफ से कॉफी आ गई है हमें, क्योंकि तला भाई ने बोला इतने टाइम बाद मिलो तो कॉफी तो बनती है। माशाल्लाह आपको दिख रहा होगा शादी शुदा लग नहीं रहा होगा, लेकिन आगे भाई अब चलो खेलते हैं और आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे बैठ के कॉफी पी रहे थे और ये बच्ची सिर्फ हमें कॉफी से स्टोरी देख के आई है, और यहाँ पर आके पहले रोई हमें देख के खुशी से, और कह रही है मैंने दुआ की थी आज मदीने में बैठ के आपसे मिलने के लिए। हाय आयशा, से हाय। अलीशा नाम है, आयशा, आयशा, अलीशा, सॉरी अलीशा, जो भी कह लो सही है। तो ये सिर्फ हमारी यहाँ की स्टोरी देखी, इसने भी इंस्टाग्राम पे हमने लगाई थी, और ये वहाँ से हमारे लिए मिलने आई है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हम सहरी करने के लिए, और सहरी करने से मम्मा को बाहर, क्योंकि कल हमने तो पराठे मंगाए थे ना, वो पराठे से मम्मा कह रही थी कि आज मुझे पराठे खाने हर हाल के अंदर, तो आज हमने क्या मम्मा को बाहर के पराठे अंडे के लाने के लिए, और हमने मंगवाई एक छोटी सी मंदी, ये बांग्लादेशी रेस्टोरेंट है, तो ये अरे ये मटर स्टू भी आ गए मम्मा, मटर और ये अली मंगाया, और पराठे रोटी अंडे और ये गंजा। और बस अब जा रहे हैं हम नमाज वमाज पढ़ के फजर की, सहरी बन करके घर, और इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल।